यहाँ हमें एक कथा याद आ रही, काल नेमी जब दीक्षा दे रहे हो तो एक गावन में भी दीक्षा चलत, कहो तो सुनाए। दीक्षा भी अनेक प्रकार की हो, एक हो तो लिपि लिपि की दीक्षा, तमोन ने ना सुनी हुई है, सुनी लिपि लिपि की दीक्षा, बुंदेलखंडी में लिपि लिपि की दीक्षा बहुत खतरनाक हो। अच्छा लिपि लिपि की दीक्षा बड़ी फेमस है हमारी, बहुत फेमस है दीक्षा, पैसे तो कान में दी जाते। एक गांव में पंडित जी रहते, टिल्लू गुरु, क्या नाम था उनका, टिल्लू गुरु रहते सु गांव में, रात तो चंगीलाल। एक बार चेला बोलो गुरु जी दीक्षा लेने, टिल्लू गुरु बोले जो बताओ कौन सी लेने, बोले गुरु जी बढ़िया बताओ कौन सी होती है, बोले लिपे लिपे की, लिपे लिपे की बहुत अच्छी हो। बोले गुरु जी लिपि लिपि की दीक्षा में क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, बोले कुछ नहीं, आंगन में गऊ के गोबर से लीप दिया जाता है, जितने में लिपाई होती है उसी में बैठ के दीक्षा दी जाती है। चंगीलाल बोलो ये कोई बड़ी बात नहीं है, नई बात थोड़ी है, लिपि लिपि की हम अच्छी वाली हम दो VIP कोटा की। अब दूसरे दिन बढ़िया लिपि लिपि की दीक्षा की तैयारी चली, सो आंगन में बढ़िया गऊ के गोबर से चंगीलाल की घरवाई मुन्नी बाई ने लीप दो, गाय के गोबर से गांव भर में बलौगा लगा दो कि लिपि लिपि की दीक्षा होने, आ जाइयो बाई हरो। तो सब मोहल्ला की जितनी सहेलियां आती सखियां आती वे सब आ गईं, भोजन भंडारा बना, पंडित जी भी सुबह से नील डाल के कुर्ता बग बगो पहन के तैयार भय। टिल्लू गुरु अब चंगीलाल लेबे पहुंचो, गुरु जी चलो लिपि लिपि की दीक्षा दे दो, कान फूंक दो, चलो भाई हम बूढ़े आदमी धीरे धीरे चलना। सो टिल्लू गुरु ले चले गए, घरे पहुंचे, मंत्रोच्चारण भय, पंडित जी सीधे साधे गांव के आदमी, बाहर कभी निकले नहीं, दुनियादारी तीन तेरा कुछ जानते नहीं थे, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, कर्म कांड कुछ करते नहीं थे, बस ऐसे राम राम सीताराम सीताराम जपते थे। अब दीक्षा देने की बात आई तो दीक्षा तो कान में दी जाती है, अब आजकल के कछु गुरु जी हरे ऐसे आए कि माइक पकड़ के सीधो कह देता चलो मंत्र ले लो, पहले तो कान में दीक्षा दी जाती थी पुराने जमाने की बात, अभी भी कई ऐसे महापुरुष जो कान में दीक्षा देते। सो गुरु जी ने कान में जैसे ही दीक्षा दी ओई टाइम पे एक बिच्छू ने काट लो चंगी लाला पाओ में, जैसे ही बिच्छू ने काटो सो अब दीक्षा में कछु बोलो ना, अब बिच्छू तो भग गओ, बिच्छू जानते हो, अब दीक्षा पूरी हो गई सो बिच्छू चढ़ो ऊपर खा तो पांव लगो फटवे, बोलो कहे गुरु जी जब दीक्षा तो चढ़त सी आ रही। गुरु जी बोले कहे हम ऐसे वैसे गुरु आए, हम जो भी देते हैं सॉलिड। चंगीलाल हाँ लगो के दीक्षा हमने पहली बार ली, शायद ऐसे ही शरीर में दर्द बना उठी, ये पहली बार कान में मंत्र गाओ। अच्छा 2-5 मिनट भयो बिच्छू और चढ़ जाओ, अब तो पांव फटो जाए, बोले काहे गुरुजी जो तो भयंकर चढ़त जा रही दीक्षा। गुरुजी बोले हैं ते काहे ऊंचा ही जाना, हम साधारण थोड़ी है, सीधी डायरेक्ट ब्रह्मा जी से बात हो। चंगीलाल बोलो तो अब गुरुजी हुईये का, बोले कुछ नहीं एक बार चढ़ जान, अब बिच्छू तो बिच्छू करिया रहो ये जो बड़ो उएं चढ़गा, अब लोटो लोटो फिरे लोटे सो गुरुजी का है चेला लिपि लिपि के बाहर न आ जाइयो, लिपे ही लिपे में जल लिपि लिपि की दीक्षा है। चंगीलाल बोलो और तो सब ठीक है गुरुजी, अब तो प्राण करी जा आप हो गई अब तो। गुरुजी बोले कुछ नहीं, मुन्नी बाई की तरफ चंगीलाल देख के बोलो बोलो यार जब दीक्षा निकलवा आपते, वो बोलो गुरुजी मैं हाथ जोड़ा तुम्हारे जब दीक्षा निकालो मैं तो मरू जा। गुरुजी बोले दीक्षा ऐसी वैसी थोड़ी है, निकलती थोड़ी है। चंगीलाल बोलो गुरुजी डबल चाहे दक्षिणा ले लो लेकिन निकाल लो जदी इच्छा। आ ला 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 ला।
आ दीक्षा बात बिच्छू तो बिच्छू वो और चढ़े हा अब चरो सो पां फटो जाए और जैसे ही लिपे लिपे के बाहर निकले तो गुरु जी चेला लिपे लिपे में पहुंच जा बाहर नहीं आ जाइए लिपे लिपे की दीक्षा है। चंगी लाल को होगा दिमाग खराब तूने ढाई हाथ को ढूंढो बोलो भार में गई लिपे लिपे की निकाल रहे तुम के नहीं निकाल रहे नहीं तो हमें लाल कर देने। गुरुजी बोले यार भैया मानना था ये। चंगीलाल बोलो हमें मारे डाल रहे हम तुम्हें मारिए ना जब तुम्हारी दीक्षा तो प्राणन पर गई कहां से हमने ले ली इसे अच्छी गैर लिपे की दे दी थी बिना लिपे की ठीक है तू। गुरुजी बोले देखो भाई हम निकाल के नहीं जाना ही था। चंगीलाल बोलो अब तो और तुम्हें घुटने हैं अब हमें तुम्हारे हड्डा तोड़ देने। गुरुजी बोले क्यों बोले जब तुम निकाल के नहीं जाना था तब भीतर कैसे डाल दई अब युद्ध छिड़ गओ। मुन्नी बाई बोली जो बताओ काय स्वामी जी तुम्हें भर हाथ चढ़ी। चंगीलाल बोलो खसम तो हम आए तोरे हम यहां चढ़े किया चढ़े अब लंबी आफत फंस गई। अब गुरु जी बार बार पसीना आए चंगीलाल बोलो अब कर ब्रह्मा जी से बात अब ब्रह्मा जी से तुम्हारी जैसी बात। चंगीलाल ने तीन चार मसकी दाए गुरु जी के पांव टूट गए। एक तो ऊसे ही बुढ़ापो और गुरु जी बोले यार भैया ना मार। चंगीलाल बोलो निकारो जैसे तैसे गांव के आदमी गुरु जी टांग के घरे ले गए के बड़ी आई लड़ाई ना हो जाए कहूं गुरु चले ही ना। डेढ़ दो ढाई घंटा बाद जब बिच्छू उतरो जब चंगीलाल हतनक अच्छो सो लगो घरवाई पे बोले जो बता बहुत ज्यादा दीक्षा तेज हो। अच्छा गुरुजी तो चले गए नाराज हो गए होंगे एक काम कर कछु राशन ले जा दे आ दक्षिणा नहीं दे पाया। मुन्नी भाई ने पांच छह किलो अनाज लाओ पैसा रुपया लाए मूड़ ढाको घरे पहुंचे दरवाजो खटखटाओ गुरुजी ने पूछो को आए। गुरुजी मैं चंगीलाल की घरवाई मुन्नी भाई। गुरुजी ने लौट के नहीं खोले गेट कहूं ये ना चढ़े आई हो कहूं ये ना आफत फंस गई हो अबे तो पांव भरा टूटे ये मुड़े ही फोड़ गए ने। गुरुजी बोले बेटा अबे हम बिजी हैं। मुन्नी भाई बोली महाराज कम से कम दक्षिणा तो ले लो। अरे बोले हो गई दक्षिणा ऐसी मिली कि जिंदगी में कब नहीं मिली यार। हमने वही दिन से जो है कम चेला बना वो शुरू कर रहा हूं तो फिर जब से जब कथा सुनी थी उद्दतिया बार ना तो हम दीक्षा देवी ही ना।